जो चीन अकल्पनीय और विशालकाय चीजें बनवाकर दुनिया को हैरान कर देता है, उसी चीन को अगले साल तक भारत हैरान कर देने वाला है। दरअसल भारत जम्मू कश्मीर में एक ऐसे रेलवे पुल का निर्माण करने जा रहा है जो कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा ऊंचा होगा और चीन में बने हुए सबसे ऊंचे पुल से 54 मीटर ऊंचा होगा। इसकी ऊंचाई एफिल टावर से करीब 35 मीटर अधिक होगी। साल 2021 तक इसके तैयार हो जाने की उम्मीद है। चिनाब नदी पर बन रहा यह पुल कश्मीर को पूरे भारत के रेलवे नेटवर्क से जोड़ देगा और इस नायाब पुल के तैयार होने के बाद चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। पुल का काम तेजी से चल रहा है। अब तक लगभग 60% काम पूरा हो चुका है। यह 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। चिनाब नदी से इसकी ऊंचाई 350 मीटर है। इतनी ऊंचाई पर पुल का निर्माण करना एक कल्पना से कम नहीं था, लेकिन आने वाले साल तक देश का यह सपना पूरा हो जाएगा। इसके बनने के बाद कश्मीर का देश के बाकी हिस्सों से रेल नेटवर्क बेहतर हो जाएगा। इसका निर्माण सलाल हाइड्रो पावर डैम के पास हो रहा है। यह प्रोजेक्ट कोंकण रेलवे के पास है। पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है। इसमें सेंसर भी लगाए गए हैं ताकि तेज हवा का पता चल सके। अभी तक दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बाईपेन नदी पर बना चीन का शुईबाई रेलवे पुल है। इसकी लंबाई 275 मीटर है। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल को बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें 24,000 टन इस्पात और करीब 5,000 टन स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाएगा। इसको बनाने में जिस तकनीक का उपयोग किया गया है वो तूफान और तेज हवा को भी झेल सकता है। -20 डिग्री टेम्परेचर में भी इस पर कोई असर नहीं होगा। यह एक आर्क के आकार का ब्रिज होगा। यह पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा को झेल सकता है। इस पुल पर ब्लास्ट का कोई भी असर नहीं होगा। इंजीनियरिंग का 1.315 किलोमीटर लंबा है अजूबा बक्कल कटारा और कोड़ी श्रीनगर को जोड़ेगा। यह पुल कटरा और बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर के इलाके को जोड़ सकेगा जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक योजना का हिस्सा है। इस पुल का निर्माण कार्य अटल जी की सरकार द्वारा साल 2002 में शुरू हुआ था, लेकिन 2008 में इसे असुरक्षित बताते हुए रोक दिया गया। 2010 में एक बार फिर इसका काम शुरू कर दिया गया। दिसंबर 2021 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। रेलवे के 150 साल के इतिहास में यह सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। दोस्तों, आपको हमारे देश की प्रगति का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।